हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि जो जीरोज होगी पॉलिनोमियल का उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, ये हमने पढ़ाई है कि जो जनरल इक्वेशन होती है लीनियर पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, ax प्लस बी। और यहाँ पे ए क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। द ग्राफ ऑफ वाई ए एक्स बी, जब हम इस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, मतलब इसको हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के, ए एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जिसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन का बनेगा, विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। जब ये स्ट्रेट लाइन का बनेगा तो जो ये ग्राफ बनेगा ये एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, या फिर मिलेगा, इंटरसेक्ट होगा एक्स एक्सिस पर। तो जो ये पॉइंट आया है एक्स एक्सिस पर, जो ये पॉइंट है, तो इसको ही हम बोलते हैं माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये पॉइंट निकल के आएगा हमारे, जब हम इस पर क्या रखेंगे एक्स एक्सिस पर, जब ये कट करेगा तो मतलब वहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस बी अपॉन ए। और इस पॉइंट में माइनस बी अपॉन ए को ही हम क्या बोलते हैं, जीरो। देयरफॉर द लीनियर पॉलीनोमियल ए एक्स प्लस बी ए नॉट इक्वल टू जीरो हैव एग्जैक्टली 1 0, नेमली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। तो मतलब माइनस बी अपॉन ए क्या है, जीरो है। वेयर द ग्राफ ऑफ वाई ए एक्स प्लस बी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जहाँ पे जो ग्राफ है वाई एक्सिस का, ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखते हैं फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर ए नॉट इक्वल टू जीरो आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो जो इस वाली इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बनेगा या फिर इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इन वाले जो कर्व बना है, इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। मतलब ये पैराबोला, ठीक है, जहाँ भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा ये एक्स एक्सिस पर, तो जो वो पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट्स होगी यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होती है, उसकी जीरोज होती है। आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, की एक्स कोऑर्डिनेट उन पॉइंट्स के वेयर पैराबोला इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, जहाँ पे पैराबोला क्या करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। मान लो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, तो ये दो पॉइंट पे यहाँ पे क्या करा है, इसने कट किया है, तो जो ये पॉइंट है इनको ही बोलते हैं हम जीरोज, ठीक है। द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ ए वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द फॉलोइंग थ्री केसेस कैन हैपन। तो जब हम इसके ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे तीन केसेस अराइज होंगे, तो तीन केस हो गए इसमें। पहला केस है, हेयर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश। तो इस ग्राफ में क्या होगा, जो ये क्या करेगा, इस ग्राफ में जो कर्व है ये क्या करेगा, दो पॉइंट पर कट करेगा एक्स एक्सिस को, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग पॉइंट है ए एंड ए डैश। तो क्या हो गया, ए एंड ए डैश, ये क्या है, दो पॉइंट है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसे दो दो, ठीक है, दो जगह से क्या कर रहा है, कट कर रहा है दो पॉइंट पे, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, इसकी जीरोज है। ये यहाँ पे भी इस तरह से भी बन सकता है, ये इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये दो जगह से कट कर रहा है, मतलब दो पॉइंट पे क्या कर रहा है, मिल रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड ए डैश, तो जो इनके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स होगा और वाई तो जीरो ही होगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि ए है, तो ए क्या होगी यहाँ पे, जीरो। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है ए और ए डैश के, आर टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इनसे हम क्या बोलेंगे कि क्या है, दो जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ऐसे केस सेकंड होगा, हेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो जहाँ पे ये ग्राफ है ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, ये कर रहा है इस पर, ठीक है, ए पॉइंट पर, और यहाँ पे भी ए पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा किसका, ए का, ठीक है, वही क्या होगा, ओनली जीरो फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होगी, जीरो होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। केस क्या है, थर्ड, हेयर द ग्राफ इज इधर कंप्लीटली अबाव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। तो जब ग्राफ हमारा क्या होगा, या तो कम्प्लीटली अबाव द एक्स एक्सिस होगा, ये कम्प्लीटली अबाव द एक्स एक्सिस है, और ये कम्प्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस है। इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस को कहीं से भी कट नहीं कर रहा है, या कहीं से भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है
एक्स एक्सिस को। सो कम्प्लीटली बिलो, सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, कि ये क्या कर रहा है, कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, तो हम क्या बोल लेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी कोई भी जीरो नहीं है। अब एक्सरसाइज है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। इसमें एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, द ग्राफ ऑफ वाई इजिकल्स टू पी एक्स, इसका ग्राफ बनाएंगे। इस पॉलिनोमियल का दे रखा है हमें फॉर सम पॉलिनोमियल, मतलब ग्राफ्स हमें दे रखे हैं पॉलिनोमियल के। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है हर एक केस में। तो यहाँ पे देखो ये कर्व है ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, इसे कर्व को कहीं पे भी क्या नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सो इट हैज नो जीरोज, ठीक है, तो इसके पास जीरोज है ही नहीं, क्योंकि कहीं से भी नहीं क्या कर रहा है, इसको कट नहीं कर रहा है। सिंस इट डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, सो पी एक्स या फिर पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। अब देखो सेकंड वाला, इसमें लिखोगे ये एक ही पॉइंट पे क्या करी, इंटरसेक्ट करी है, सो इट हैज ओनली 1 0। सिंस कर्व कट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, सो इट हैज ओनली 1 0, तो आप इसमें ये लिख देना ठीक है। थर्ड वाले में 1 2 3, सिंस कर्व कट द या फिर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, सो इट हैज 3 0s। अब इसमें देखो इस वाले कर्व में, फोर्थ वाले में, सिंस द कर्व कट द टू कर्व द कट द लिख दो या फिर इंटरसेक्ट लिख दो, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, सो इट हैज 2 0s। नाउ कर्व 1 2 3 4, तो कर्व कट द एक्स एक्सिस या फिर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट, सो इट हैज 4 0s, ठीक है। और ये भी आपको ठीक है, तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, तो इस वाले कर्व में क्या है, 1 2 3, तो कर्व कट द एक्स एक्सिस एट 3 1, सो इट हैज 3 डायरेक्शन, सॉरी 3 0s, ठीक है। तो ये हो गया है, तो जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, मतलब ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, अगर हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स प्लस सी, तो इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, एटमोस्ट जो जीरो होगी वो कितनी होगी, 2 0s होगी इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। एक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, जीरो, और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 0 होगी इसकी, 2 से ज़्यादा 0 नहीं होने की, ठीक है। इसमें 3 0 होगी, 3 से ज़्यादा 0 नहीं होगी, कि कम हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है 0, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।